हम भी छुट्टियों में कोई नाटक खेले? नाटक? हाँ, अरे लूडो, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई खेल खेल के मेरा मन तो उब चुका है। क्यों ना इस बार हम कुछ नया करें। अब देखो बीच में कितना सारा सामान पड़ा है। पहले कार्यक्रमों में आपने देखा कि कैसे बच्चों ने भैया के साथ शुरू किया अपना सफर नाटक की दुनिया को जानने समझने का। छन्नी की तरह इस्तेमाल करो। नाटक का कोई भी पात्र आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। मैं हूँ जोकर निराला। इससे सुनेगी तो मेरी आवाज है। एक दो तीन चार पाँच। नाटक खेलने में आसानी हो इसलिए भैया ने उन्हें कराई आसान सी कसरतें। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। और मोटे लाला का पैर आ गया केले के छिलके पे। आए, अब मोटे लाला धीरे धीरे करके उठेंगे। आए, और धीरे, बिल्कुल धीरे। आए रे, मोटे लाला के पीठ पे लग गई। दिए गए निर्देशों को ठीक से समझा जा सके उसके लिए भी थे कुछ मजेदार खेल। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। जैसे नाटक में है एक राजा, ए राजा का सिंहासन लगा हुआ है एक उसमें। अब राजा को शिकार पे जाना है तो क्या राजा अपने ही दरबार में करेगा शिकार? कहाँ जाएगा? तो बस, यानी सीन एक में राजा बैठा अपने सिंहासन पे, सीन दो पे वो कहाँ गया? जंगल में क्या करने? शिकार। बस, तो यानी सीन एक हुआ राजा के दरबार का और सीन दो हो गया जंगल का। अब फिर सीन चार में हो गया नाटक की कहानी पे, तो सीन तीन कैसे अलग अलग भागों में बांटी जाती है और क्यों, है ना? तो बस, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारा नाटक तैयार हो जाएगा। जब वो लकड़ियां काट रहे थे सामने उनकी आ गया शेर। अब बेचारे किसान क्या करते अब बताएगी स्वाति। तो चलो भाई स्वाति, आप बताओ कि जब किसानों ने शेर को देखा तो क्या हुआ? जब किसानों ने शेर को देखा तो वो तो घबराहट के मारे डर गए और वो भागने लगे, तो शेर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। फिर राजा ने पूरी प्रजा के सामने माफी मांगी। अरे वाह। और उस पूरे महल एक के बाद एक बच्चों ने खुद ही कहानी को आगे बढ़ाते हुए तैयार करी एकदम नई कहानी। अच्छा हुआ, देखो भाई कहानी भी बन गई। अब उसे खेला कहां जाए? अरे भैया, ये राज दरबार का सेट तो कितना ही सुंदर है। चलो भाई, हमने चिपका दिया इसको चारों तरफ से और अब हम इसको यहाँ इसके चारों तरफ लगा देंगे तो बन गया तुम्हारा ढांचा। भैया ने बताया कि मंच यानी सेट्स क्या होते हैं और अपने आसपास की चीजों से कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि राजा का सिंहासन। चलो भाई, हो गया तुम्हारा सिंहासन तैयार। जानती हूँ, पैसे भी नहीं थे तेरे पास तो। ठीक है, बता, मैं तेरी पॉकेट छान रही थी। बच्चों ने फिर अलग अलग मंचों पर काम किया। तो तुम सबने बना दिया सेट्स यानी मंच भी तैयार हो गए। अब नाटक खेले जाने से पहले बची थी पोशाकें और नाटक का पूर्व अभ्यास यानी रिहर्सल। आओ देखें आगे क्या हुआ। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। ला 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 ला। तो हाँ महाराज, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ अवश्य अवश्य अवश्य। अरे स्वाति, तेरा डायलॉग है और तू हंसी जा रही है। छोटी, वैसे कहने को तो तू राजा है, अगर देखा जाए तो ना तो तेरे पास मुकुट है, ना तेरे पास गहने हैं और ना ही तेरे पास भारी वस्त्र हैं। लगता है तू किसी कंगाल देश की राजा है। भैया देखो स्वाति क्या कर रही है। भैया मैंने नहीं करना। भाई नाराज क्यों होते हो? पहना देते हैं तुम्हें अभी मुकुट, भारी कपड़े और ढेर सारे गहने, बन जाओगे तुम सचमुच के राजा। वो कैसे?
तो चलो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले मुकुट से। तुमने इतने सारे जो मुकुट पहने हुए हैं उन सबके नीचे है एक बेस यानी एक ढांचा। सबसे पहले शुरू करते हैं ढांचे से कि तुम सबको मालूम चल जाए कि ये मुकुट बने कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने एक चार्ट पेपर की सीधी तनी या एक पट्टी काट ली और जिसका भी मुकुट बनाना है उसका आकार लेके उसको हमने चिपका लिया कोनों से कि यानी हमारा एक गोला तैयार हो गया जो उसके पहनने वाले के सिर पे आराम से आ जाए। तो ये हमने इसको इतना लिया और चिपका लिया या किसी पिन से लगा दिया तो हमारा गोला तैयार हो गया। एक बार जब गोला तैयार हो गया तो यहाँ से पीछे तक हम एक पट्टी काटेंगे ऐसी, यानी एक हमने पहले आगे चिपकाई और फिर इसी को इसी के आकार को पीछे जोड़ते हुए यानी बीच से हमने एक पट्टी निकाल दी। उस गोल दायरे के बीचों बीच हमने एक पट्टी निकाल दी। ठीक है, ये समझ गए हाँ। अब इसी को काटती हुई एक और पट्टी यानी इसी के बीच से कटती हुई यहाँ से ये जुड़ी यहाँ पर। अब एक बार हमारा इतना ढांचा तैयार हो गया तो हम एक और पट्टी लेंगे जो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब वो क्यों? देखो शालू, इसको थोड़ा मजबूत कर दिया जाए। अगर नाटक के बीच में ये भी हो सकता है कि ये कच्चा रहे और तुम्हारी पट्टी खुल जाए और वो मुकुट नीचे का नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इससे बेहतर हम इसको थोड़ा मजबूत कर देते हैं यानी एक और पट्टी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई यानी एक तरह की छोटी सी हमारी छतरी तैयार हो गई। ये छोटी सी छतरी जो हमारे सिर के ऊपर आ सके। अब जो इसके आगे यहाँ पट्टी जा रही है इसके ऊपर तुम कुछ भी चिपका सकते हो और तुम्हारा मुकुट तैयार हो जाएगा। जैसे तुम अपना ही मुकुट लो, दिखाओ जरा अपना मुकुट। इसमें देखो तुम्हारा नीचे का ढांचा किसी भी रंग का हो सकता है ढांचा, चाहे सफ़ेद, चाहे काला, चाहे लाल, जिस रंग का तुम चाहो। तो इसी पांच पत्तियों को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया और देखो आगे चिपकाने के बाद ये मैंने तुम्हारा ढांचा पहना और ये पांच पत्तियां आगे खड़ी हो गई। ठीक है, तैयार हो गया तुम्हारा एक मुकुट। हाँ, ये हो गया वृक्ष राजा का मुकुट। हाँ, अब दूसरा मुकुट लो। जैसे ये मुकुट है, तुम्हारा ढांचा वही है। हाँ, इसके आगे मैंने एक दो सींग का लाल कागज से काट के चिपका दिया और ये देखो। ठीक है, हाँ, तो बस इसी तरह तुम अलग अलग तरह के इससे मुकुट बना सकते हो। जैसे ये मुकुट है, इसका भी ढांचा देखो। इसके पीछे मैंने एक गोल बड़ा सा कागज काट के उसको चिपका दिया और तुम्हारा राजा का मुकुट तैयार। तो बच्चों, हो गए तुम सबके मुकुट तैयार। देखा ना इस ढांचे का कमाल। हाँ जी। अब मैं लग रही ना असली की राजा। बिल्कुल असली। तो महाराज, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। क्यों भाई स्वाति, तूने मुकुट तो पहन लिया पर अभी भी तो कुछ अजीब सी लग रही है ना? अरे भाई, अजीब तो लग रही है लेकिन इसमें अजीब क्या है? आराम से, आराम से। हाँ, अच्छा तुम बोलो कृति। भैया, इसके कपड़े राजा जैसे नहीं है। हाँ भैया। भैया, लेकिन अब करेंगे क्या? देखो भाई, इस चुन्नी के कमाल से हम बना देते हैं इसे राजा। इधर आएगी भाई छोटी, छोटी आओ। इस छोटी, खड़े हो बच्चे। ये देखो, इसको हम बांध सकते हैं एक धोती की तरह। ये ऐसे उस चुन्नी को हमने लेके सबसे पहले आगे एक गांठ मारी, ये ऐसे, फिर एक और पक्की तरह से गांठ कि वो खुल ना जाए, ये ऐसे। बचा इतनी सी चुन्नी का हिस्सा। अब इस चुन्नी के हिस्से को हम नीचे से ऐसे निकाल देते हैं और इसको पीछे लगा देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे ऐसे दो भाग हो गए चुन्नी के, एक इस पैर के लिए और एक इस पैर के लिए, जिसको हम पीछे पिन लगा देंगे। ये यहाँ पे हमने एक पिन लगा दिया, ये गया बस्कुआ एक पैर पे और फिर ऐसे ही दूसरे पांव पे, इसके पीछे ऐसे।
ये यहाँ पे, ये बस्कुआ लग गया। तो लो भाई, हो गई तुम्हारी धोती तैयार? बन गई ये धोती? अब इसको ऊपर एक सुंदर सी चाहो तो बंडी पहना दो, जिसके ऊपर गोटा लगा हो। ये लो भाई, पहनो इस बंडी को। ये ये इधर से तुमने इसको बांध दिया। पहन ली। और इसके ऊपर एक हाथ पे रखने के लिए एक और चुन्नी लो। अच्छा, ये चुन्नी ली हमने। तो सबसे पहले हमने इसको एक तरफ रखा कंधे पर, इस तरफ कंधे पर रखा यहां तक, ठीक है। फिर इसको पीछे से यहां से निकाला हमने हाथ के नीचे से ऐसे, और ये आगे आ गई इतनी, और इस हाथ पे लाके इसको हमने डाल दिया गोल घुमा के ऐसे। तो बताओ, अब लग रही है ये असली की राजा? हाँ भैया। अरे छोटी, तू तो असली की राजा लग रही है। प्रणाम राजा जी। तो लो बच्चों, हो गए तुम्हारे उल्टा पुल्टा नगर के महाराज तैयार। लेकिन भैया, अगर परी बनानी हो तो? उसमें क्या बड़ी बात है, एक और चुन्नी लो और उसको अपने सिर पर ऐसे ऊपर से बांध के लगा लो, और एक सुंदर सा सितारा काट के अपने सिर पे ऐसे चिपका लो, ये ऐसे, और बन गई तुम्हारी परी। इसका मतलब हम चुन्नियों की मदद से अपने नाटक के पात्रों के कपड़े यानी कॉस्ट्यूम आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। भैया, राजा के कपड़े तो तैयार हो गए और राजदरबार का सेट भी लग गया और हमने कहानी बनाना भी सीख लिया। भैया, सेट, कॉस्ट्यूम और कहानी, वो सब तो समझ में आता है, पर जो हमने नाटक करने का सोचा था उसका क्या? भैया, मैंने और छोटी ने जंगल के सीन के सारे डायलॉग याद कर लिए। अच्छा? क्यों ना भैया, हम आपको उसकी रिहर्सल करके दिखाएं। ये सीन दो है ना? हाँ, चलो। पू 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 कोको भैया, कोको भैया, आओ आओ जल्दी आओ, अपने से की रोटी खाओ, खाकर अपनी भूख मिटाओ। धन्यवाद दोस्त, तुम जैसा दोस्त सबको मिले। हाँ, एक बात तो बताओ ना, भूल ही गया। वो क्या? और छोटी, देखो भाई, तुम दोनों कर तो बहुत बढ़िया रहे हो, लेकिन जिस मंच पर तुम नाटक खेल रहे हो वो नाटक दर्शकों के लिए भी है, और तुमको उनको अपने साथ करना है, ठीक है। तो जो डायलॉग तुम बोल रहे हो उनको दर्शकों की तरफ देखकर भी बोलो, ठीक है। तो अब जो तुम आगे का डायलॉग बोलोगे उसको हमारी तरफ देख के भी बोलना, ठीक है। चलो अच्छा, अब आगे के सीन करके दिखाओ इसके। हाँ, एक बात तो बताना, भूल ही गया। वो क्या? पता है, अब कल से खाने को ये भी नहीं मिलेगा। वो क्यों? गांव में इस कदर सूखा पड़ा है कि कोई भी नहीं है, लगता है सब भाग गए। क्या? इसको तो सारे डायलॉग याद है। ये सीन तो हो गया, अब क्यों ना हम अपने गाने वाले सीन का अभ्यास कर ले। तुमने अपनी मटकी और डंडे रख लिए ना? हाँ, तुम लोगों को पूरे गाने याद है सही तरह? हाँ, तो चलो भाई शुरू करते हैं। तैयार हो? तो फिर एक दो तीन चार। पैर झुलसे थे खो खो की गली गली में घूमते, सबके तलवे चूमते, बाबा पूछ लाता रहता हरे की गुर्राहट से, लेकिन किसी से कुछ ना कहता।
भाई हो गई तुम्हारी रिहर्सल्स पूरी। हाँ। लेकिन आखिर में एक जरूरी बात, तुम्हारे राजा का मुकुट भी तैयार है, उसके कपड़े भी तैयार हैं, लेकिन तब भी उसमें एक कमी है। सोचो सोचो क्या। आराम से एक एक करके, एक एक करके। हाँ तुम बताओ भाई। ये उसके कुंडल नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ तुम बताओ। उसने माला ही नहीं पहनी। अरे वाह। हाँ उसका तिलक ही नहीं है। अरे तिलक। हाँ देखो भाई, माला तो बनाई जा सकती है मोतियों से, लेकिन तिलक तुम कैसे बनाओगे? भैया हम लाल रंग लेके बना सकते हैं। लाल रंग। हाँ और क्या नहीं है उसके पास? भैया जो हाथ पे पहनते उसके पास वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है, वो भी। हाँ भैया उसके पास मूंछ भी नहीं है। अरे मूंछ, मूंछ और तिलक, ये तो तुम्हें इस तरह बिना छड़ी के परी क्या, उसी तरह बिना मूंछ के राजा क्या। बिल्कुल सही। तो लगा देते हैं तुम्हारे राजा के अभी मूंछ। ये देखो मैंने कुछ रंग लिए हैं जिससे हम आराम से चेहरे पे मूंछ बना सकते हैं, और जैसा इसने कहा लाल रंग का तिलक, सफेद रंग से तिलक, किसी भी रंग से तिलक लगा सकते हैं। तो देखो छोटी इधर आओ, ये आ जा छोटी, और यहाँ बैठो छोटी। देखो अब लगा देते हैं इसकी मूछें, ये बड़ी बड़ी राजा की जोरदार मूछें। ये छत्रपति राजा रंग ये इसके बने कुंडल। हाँ अभी देखो इसको हम मुकुट के साथ पहन के देखते हैं। ये इसको पहनाया अपना मुकुट, तो खड़े हो छोटी। ये रहा इसका दुपट्टा। हाँ भाई तो ये दुपट्टे के साथ, तो लो भाई हो गए तुम्हारे राजा साहब तैयार। ऐसी होती है नाटक की दुनिया, मुझे तो बहुत मजा आया यह जानकर कि नाटक खेलना इतना आसान है। बस एक कहानी, कुछ दृश्य, पात्र और उनके डायलॉग यानी बातचीत, यह सब देखने और समझने के बाद हमने भी एक नाटक तैयार किया। नाटक कैसा होगा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ देखना जरूर, यह एक राजा का हुक्म है।